everyone, this is me Somya and you all are on my channel Somya's Life. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट लुक. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा लुक, तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है आज की वीडियो में ये आपको मैं बताने वाली हूँ. तो अगर आपको जानना है कि ये लुक कैसे क्रिएट किया है मैंने, तो आपको आज की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी. तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप लोगों को पसंद आती है तो. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी. उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए बायोटिक के लिप बाम. तो यहाँ पे मैं लिप्स को अपने मॉइस्चराइज कर लूँगी अच्छे से. अब मैंने यहाँ पे यूज़ किए गुड वाइब्स की ग्रीन टी टोनर. तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी. उसके बाद मैं हैंड्स की हेल्प से डैब डैब कर इसको अपने स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब करवाऊँगी. इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए आपकी स्किन में अच्छे से. गाइज, आई जस्ट लव द फ्रेगरेंस ऑफ दिस टोनर. तो जैसे कि ये एब्जॉर्ब हो गया है, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लोटस का वाइट ग्लो सीरम प्लस मॉइस्चराइज़र. तो इसको लगाने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है. अब मैं हैंड्स की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे. सो गाइज, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल. गाइज, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेशियल ऑयल. एंड जिसकी स्किन ऑयली है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं. अपने हैंड्स की हेल्प से इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी. गाइज, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एसक्यू का प्राइमर. तो प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो भी फिल हो जाते हैं. एंड इससे जो फाउंडेशन होता है वो अच्छे से हमारे स्किन पे ब्लेंड हो जाता है. तो यहाँ पे मैंने इस अमाउंट में लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अपने लगा लिया है. अब मैं हैंड्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से पूरे फेस पे. एंड प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि आपका जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके. एंड आपका इससे फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो इसलिए प्राइमर हमें स्किप नहीं करना चाहिए. एंड गाइस, प्राइमर के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे पहले कर रही हूँ आई मेकअप, क्योंकि जो भी फॉल आउट होता है उससे हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रेफर करती हूँ कि आई मेकअप को पहले करूँ. तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर वार का कंसीलर एज अ आई शेडो प्राइमर. तो इसको मैं अच्छे से अपने आईज़ पर लगा लूँगी. उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी आईज़ पे. इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इसको. गाइज, यहाँ पे मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक में 925 का ये लूज़ पाउडर. तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से इसको सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को. एंड सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो पैच ही लगता है फिर बहुत गंदा लगता है. तो इसलिए हमें सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीलर को. तो इसलिए आप डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों आइज़ में. तो इस तरह से हम अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लेंगे. सो गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये टेप को लिया है जिससे कि जो भी एक्सेस है वो हमारे आईज़ के बाहर ना जाए और जो हमारे शेप है वो भी अच्छे से आ जाए. तो यहाँ पे मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट. तो इसमें मैंने ये शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड.
तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। एंड आपको आई शेडो ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है जिससे कि कोई भी पैचनेस ना लगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट, तो इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, तो आपको हमेशा लाइट से डार्क शेड में जाना है। तो इस तरह से मैं इसको अपना ट्रांजिशन शेड की तरह ले लूँगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर ना मिल जाए, तब तक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड गाइज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन आई मेकअप, बट मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रश लिया है एंड आउटर वी पे मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है। तो यहाँ पे मैं आउटर वी पे अपने ब्लैक कलर को प्लेस कर रही हूँ इस तरह से। आप कोई भी स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से अपने आउटर वी पे लगा लीजिए। इस तरह से मैंने ऐसे लगा लिया है इसको। अब मैं यहाँ पे ये L18 की काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं स्मोकी आईज़ लुक क्रिएट कर रही हूँ, ग्रीन स्मोकी आईज़। एंड गाइज जब भी हम स्मोकी आईज़ लुक क्रिएट करें तो जो हमारा बेस होता है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। अगर हम जैसे कि उसके ऊपर कोई भी कलर यूज़ करते हैं तो वो उभर के आ पाए, इसलिए मैं अपने आईलिड को पूरा ब्लैक कर ले रही हूँ इस काजल पेंसिल की हेल्प से। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इस तरह से ये ब्रश यूज़ किया है अपने काजल को स्मज करने के लिए। तो इस तरह का आप स्मजर ब्रश यूज़ कर सकते हो अपने काजल या फिर अपने जो भी आपने आई शेडो यूज़ किया है तो उसके स्मज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको स्मज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसमें अपना शेड लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड लिया है, तो इसको मैं अच्छे से अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ स्मोकी आईज़ लुक क्रिएट करना। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना। सो गाइज अच्छे से मैं पूरी आईलिड पे ये कलर को लगा लूँगी। तो जैसे कि हो गया है आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं आउटर वी पे अपने थोड़े से ब्लैक कलर को और लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये L18 की आईलाइनर यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आईलाइनर को अच्छे से लगा लूँगी। जैसे कि ये आईलाइनर लग गया है, अब मैं इस टेप को निकाल दूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अच्छी सी शेप भी बन गई है साइड में। तो अब मैं ये कॉटन की हेल्प से जो भी फॉल आउट हुआ है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। एंड गाइस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है L18 की काजल पेंसिल अपने काजल को लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से इस काजल को लगा लूँगी। एंड इस ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये ब्लैक आई शेडो लिया है जिससे जो मेरा स्मोकी लुक है वो और भी अच्छा लगे। तो इस तरह से मैं इसको अपने काजल के नीचे लगा लूँगी। सो गाइज ये हो गया है। अब मैं यहाँ इस पेंसिल ब्रश के यूज़ से ये शेड यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने से हमारी आईज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ही दूसरी आई का भी मेकअप कर लिया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का फ्लोरिना कलेक्शन मस्कारा। तो इसको मैं अच्छे से अपने आई लैशेस को इस तरह से ऊपर को उठाते हुए मैं इसको मस्कारा को अप्लाई कर लूँगी। एंड अपर लैशेस लोअर लैशेस दोनों पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128 वॉर्म न्यूड। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने हैंड्स पे ले लिया है। अब मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इसको लगा लूँगी अच्छे से एंड नेक पे भी ये लगा लूँगी जिससे कि मेरा फेस और नेक का कलर अलग ना लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक पे भी डॉट डॉट करके लगा लिया है, ईयर्स पे भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्लेंड करने में टाइम दीजिए जिससे कि आपका जो भी फाउंडेशन है वो पैची ना लगे। तो इस तरह से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड फिट मी आई गेस सबका ही फेवरेट फाउंडेशन है।
तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, तो इस तरह से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार्क का कंसीलर, तो इसको मैं अपने जो भी डार्क सर्कल्स हैं या जो भी स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ को हाईलाइट कर लिया है, यहाँ पे क्यूपिड बो को एंड जो मेरे जो लिप्स के साइड में जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस, कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का 925 ये लूज पाउडर। तो गाइस, यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी एंड जिससे कि मेरा जो कंसीलर है वो पैची ना लगे। इस तरह से आप पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैं बेकिंग के लिए अपने अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा सा लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आईब्रो को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की ड्यू शेपर, तो इस तरह से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। एंड गाइस, सेट करने के बाद आप लोग डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईब्रोज़ में। तो अब मैं यहाँ पे कलर बार का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ एंगुलर ब्रश का यूज़ किया है अपने आईब्रोज़ को इन्हेंस करने के लिए। तो इस तरह से मैं कंसीलर को लगा लूँगी एंड थोड़ी जिससे कि थोड़ी आईब्रोज डिफाइन लगे। एंड जो भी मैंने बेकिंग के लिए एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था इसको मैं रिमूव कर दूँगी इस ब्रश की हेल्प से। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने फेसेस कैनेडा की ये पैलेट यूज़ की है कॉन्टोर के लिए। तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर ब्रश यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ये शेड ले रही हूँ अपने नोज़ कॉन्टोर करने के लिए। तो इस तरह से आप जो भी कॉन्टोर ब्रश है ना उसको बीच से पकड़ के इस तरह से कर लीजिए जिससे कि आपकी जो नोज़ है वो अच्छे से कॉन्टोर हो जाए। एंड जो आपकी इस तरह से आपको फेस करना है जब आपको कॉन्टोर करनी है एंड जो भी आपकी से गैप आता है ना बीच में वहीं से आपको कॉन्टोर स्टार्ट करनी है। अगर आपको इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताइए, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। एंड गाइस, कॉन्टोर इसलिए करते हैं जिसका फेस थोड़ा हैवी होता है तो उसका फेस स्लिम लगने लगता है। मैं यूजुअली कॉन्टोरिंग अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा जो फेस है वो ऑलरेडी स्लिम है। तो पर ये वीडियो मुझे बनानी थी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर ऑफ मिलान का सिल्क ग्लो ब्लश। तो यहाँ पे आपको जब भी ब्लश अप्लाई करना है हमेशा स्माइल करते हुए करना है। तो यहाँ पे मेरा ये ब्लश अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की सेम पैलेट अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया ये बेगा का फैन ब्रश। तो इस तरह से मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी एंड मैंने नेक एरिया को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जिससे कि थोड़ा शाइन आ जाए मेरे नेक पे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर। तो यहाँ पे मैंने अपने क्यूपिड ब्रो पे इस तरह से क्रॉस बना लिया है। अब मैं अंडरलाइन कर लूँगी इस ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर माई लिप्स। एंड गाइज, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है हाउ टू अप्लाई लिक्विड मैट लिपस्टिक। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अपनी लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं फॉल्स लैशेस लगा लूँगी एंड जो भी ज्वेलरी है मेरी वो पहन लूँगी। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।